फ्रेंड्स, जब हम लोगों के घर में फूल झाड़ू आती है तो उसमें इस तरीके का जो बुरादा होता है बहुत दिन तक और बहुत सारा निकलता रहता है और समझ में नहीं आता कि हम घर की सफाई कर रहे हैं या घर को और ज़्यादा गंदा कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जिससे आप इस सारे बुरादे को झाड़ू आने के बाद इंस्टेंट निकाल सकते हैं। उससे आपका झाड़ू एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आप सफाई अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही आप झाड़ू को लंबे समय तक कैसे चला सकते हैं, यानी कि वो सालों साल एज इट इज चलती रहे, वो तरीका शेयर करूंगी। तो चलिए झटपट से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब नॉर्मली हम लोगों के घर में फूल झाड़ू आती है तो वो अच्छे से एक पॉलीथीन में कवर होके आती है और जैसे ही हम वो पॉलीथीन हटाते हैं झाड़ू में से बुरादा निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम उससे झाड़ू लगाते हैं ये बुरादा पूरे घर में हो जाता है तो पता ही नहीं चलता हमने घर की सफाई करी है या घर को और ज़्यादा गंदा कर दिया है। तो उसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन है कि आप कोई भी पुराना कॉम ले लें और उससे इस तरीके से आप झाड़ू को हल्के हल्के हाथों से कॉम करते जाएं। फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसेस में आपको 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, लेकिन यकीन मानिए उसके बाद आपकी झाड़ू एक तो बहुत ही लंबे समय तक चलेगी। अगर आपकी झाड़ू 6 महीने चलती है तो वो पक्की बात 8 से 10 महीने चलेगी। और इस एक और अच्छी बात रहेगी कि ये जो बुरादा होता है ये बिल्कुल एक ही बार में आप सारा निकाल देंगे तो उसके बाद इसमें से बुरादा नहीं निकलेगा। झाड़ू लकड़ी की बनी हुई होती है और इसमें इस तरीके का काफ़ी सारा बुरादा ये जो झाड़ू के सीके होती हैं इसमें फंसा रह जाता है। तो बस आप जैसे जैसे इसे थोड़ा थोड़ा खोल कर काम करते जाएंगे, जैसे नॉर्मली हम अपने बालों के ट्रायंगल निकालते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस आपको झाड़ू के साथ करना है। लेकिन बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, एकदम हल्के हाथ से आप इसके जितने भी ट्रायंगल हैं निकाल दें, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप झाड़ू को ही तोड़ लें। और ये देखिए काफ़ी सारा बुरादा तो निकल गया है, लेकिन अभी इसमें लग रहा है कि और बुरादा बाकी है। तो उसके लिए हम इसे 2 मिनट के लिए और अच्छे से काम करेंगे। और ये देखिए मैंने इसे झाड़ा है तो अभी इसे में बुरादा बाकी है, तो बस और झाड़ लेते हैं। हल्का सा खोल लिया, फिर बिल्कुल अच्छे से काम किया। फ्रेंड्स, झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, चाहे फूल झाड़ू हो, चाहे सीको वाली झाड़ू हो या पौरा हो। इसका बार बार टूटना अच्छा नहीं होता, यानी कि बार बार झाड़ू को लाना भी अच्छा नहीं होता। तो आप झाड़ू को लंबे समय तक किस तरीके से चला सकते हैं वो तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए बुरादा तो सारा निकल गया है। तो उसके बाद मैंने ले लिया है ये एक पुराना सॉक्स। ये नॉर्मली ज़्यादातर सभी घरों में आराम से मिल ही जाता है कि एक पेयर कई बार खो जाता है या फट जाता है, तो उसमें जो एक सॉक्स बच जाता है आप उसे ले लीजिए। और बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से मैंने इसे पीछे से पहनाना स्टार्ट किया और अच्छे से पहना दिया। और उसके बाद मैंने ली एक मजबूत सी रबड़ बैंड, जो कभी नोटों की गड्डी पे लगाते हैं और कभी सिर पे भी काम आती है, और उसके 2-3 फोड़ लगाकर इस तरीके से अच्छे से टाई कर दिया। क्योंकि झाड़ू की जो सीके निकलती हैं इसी जगह से निकलती हैं, और जब आप इसे एक ही बार में अच्छे से टाइट कर देंगे तो सीके नहीं निकलेंगी। झाड़ू साफ हो गया, सीके नहीं निकलेंगी, तो यानी आपकी झाड़ू लंबे समय तक चलेगी। उम्मीद है ये टिप आप लोगों के बहुत यूजफुल रहेगी। उम्मीद अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें। थैंक यू।